स्टूडेंट्स हमारे साथ अभिषेक है। अभिषेक दिल्ली के डोमिसाइल है, 681 मार्क्स आ रहा है। और अभिषेक आपका पिछले साल 2020 में 581 मार्क्स था। जी सर, तो बताइए कैसे हुआ ये सर? 100 मार्क्स बढ़ गए 581 से 681। जी सर, सबसे पहले तो सर मेरा नीट 2020 में जो 581 जब मार्क आया था, तब सबसे पहले मेरे को ये फाइंड आउट करना था कि मैंने मिस्टेक कहाँ करी थी। तो जब मैंने एक बार शांति से बैठ के सोचा तो ये निकला कि मेरे कुछ कंसेप्ट जो थे फिजिक्स में वीक थे और मैंने क्वेश्चंस की कम प्रैक्टिस की थी। तो इसके लिए मैंने अचीवर्स बैच ज्वाइन किया था और उसमें मैंने जितने भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के ईजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस किया था। इसके साथ साथ मैंने मास्टर क्लास ज्वाइन करी थी बायो में। मास्टर क्लास जो है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसमें आपको जितने भी नीट के रेलिवेंट क्वेश्चन है आपको करने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो थी मैंने टेस्ट सीरीज जो थी रेगुलर इंटरवल पर उसको मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था और जो भी उसमें मिस्टेक होती थी मैं उसको नोट डाउन करता था और उसको फिक्स करने की कोशिश करता था। ये तो सर सबसे बेसिक प्रोसेस थी मेरी। ठीक है, तो आपको इस बात का आइडिया था कि सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है? जी सर, वो करना है। जी सर। अच्छा, अब काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि चलो एग्जाम खत्म हो गया, नंबर आ रहे हैं 340-350, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वो भी गलत है, वो तो दीवार पर सर मारने जैसा है, आपको आता नहीं है, आप सवाल लगाओगे दबा के गलत होंगे, राइट? तो आप साथ में बैलेंस भी रखते हैं कि थ्योरी करनी है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सीधा सिर्फ क्वेश्चन लगाते हैं? नहीं सर, इसमें बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका वीक है तो आपको डेफिनेटली उसके वीडियोस में या फिर जो भी आप क्लासरूम लेक्चर में उसको टाइम देना चाहिए आपको। उसके बाद आप उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जो आपको लगता है कि आसान चैप्टर है मेरे को आता है, आप केवल उसी में डायरेक्ट क्वेश्चन करें और जो भी आपकी मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई करें, डेट विल बी इनफ। अब ये बताओ 581 आया तो कभी लगा कि एग्जाम तो बड़ा टफ हो रहा है, कट ऑफ भाग रही है? इस बार भी बच्चों को काफी डिसअपॉइंटमेंट इस चीज का है, जिस तरह से रैंक्स वगैरह भागी है थोड़ी। काफी सारे लोग देख के ये सोच सकते हैं कि मेरा क्या चांस है, जी सर छोड़ देता हूँ, मेरे बस की नहीं है। तो आपको नहीं लगा पिछले साल भी कट ऑफ पहली बार इतनी ज्यादा भागी थी तो लगा नहीं कि नहीं पाएगा इसमें? नीट के एग्जाम में ये है कि इसमें क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड नहीं आ रहे हैं। इसका जो डिफिकल्टी लेवल ये है कि 16 लाख जो स्टूडेंट्स हैं एक साथ एग्जाम लिख रहे हैं और यही इसको सबसे डिफिकल्ट बना रहा है। लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि आप ये जो 620 या फिर जो भी मार्जिन है अगर आप इसको पार कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस आ रहे हैं, तो इसलिए मेरे को अपने ऊपर कोई डाउट नहीं था। अगर आप एनसीईआरटी की सही से जो है आप रीडिंग करते हैं, उस पर क्वेश्चन उस पर बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो ये जो है आपके लिए बहुत मदद करेगा कि आप एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, ये जो है आपको बहुत हेल्प करने वाला नीट में। इसलिए मेरे को कभी भी अपने आप पर डाउट नहीं हुआ कि नीट क्लियर नहीं हो सकता मेरा। तो अब ये बताओ, आप मुझे बता रहे थे अभी इस इंटरव्यू से पहले कि एक टेस्ट के अंदर आपका 550 स्कोर भी आता है, जल्दी आप बाद में आते आते 680 के पास पहुंच गए थे और उतना ही फाइनली स्कोर आया। तो जब ये कम स्कोर आया तो उस समय पे खुद को शक होता, खुद के ऊपर शक होता था कि सच में? जी सर, जब इनिशियली फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए थे तब मेरे थोड़े कम मार्क्स आ रहे थे, लेकिन मैं इसमें क्लियर था कि शुरुआत में थोड़े से बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो मेरी मिस्टेक्स हो रही थी वो मेजर मिस्टेक्स थी जो मुझको फिक्स करनी थी, ये मुझे समझ में आ रहा था। इस वजह से मैं उनको एक कॉपी पर लिख लेता था और उसकी एक हफ्ते तक जो अगला टेस्ट होता था उसमें उसको फिक्स करता था बैठ करके। यही काम मैंने तब किया जब जो लॉकडाउन लग गया था दोबारा से। तो खुद के ऊपर कभी भी शक नहीं हुआ? सर बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल सर, यदि आप में नहीं है तो इतना बड़ा एग्जाम कीजिए, आप कभी भी खुद के ऊपर शक नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, है ना, नेवर डाउट योरसेल्फ, है ना। खुद के ऊपर शक हुआ तो वहीं पे उस दिन गेम खत्म हो गया जी। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। आप मैदान में उतरे हो तो छक्का मार ही दोगे जी। सर बिल्कुल, अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। जितना भी आपका स्कोर आ रहा है बस आपको उससे इम्प्रूव करने की सोचना है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा स्कोर बहुत कम आ गया है फिर रैंक ही आ रही है तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप बस डिप्रेस होते चले जाएंगे। इसलिए डरना नहीं है किसी भी चीज से। तो अभिषेक जी भाई लोगों, मौलाना आजाद इनको मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए, पिछले साल के कट ऑफ से के हिसाब से कंफर्टेबली मिल जाना चाहिए। पर आप लोग को ये नहीं देखना है कि इनका 681 आ रहा है, 581 से आ रहा है, बेसिक चीजें समझनी है। लाइफ में चीजें सिंपल होती है, आप मेहनत करोगे आपको फल मिलेगा, आप खुद के ऊपर कभी शक नहीं कर सकते। और उतार चढ़ाव आते, 550 भी आया जी बिल्कुल, पर उस लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा सर। पापा ने बोला हुआ था 100 नंबर बढ़ाने, 581 टू 681 जाना, और पहुंच गए जी सर।
चलिए गाइस, आपके कुछ सवाल है अभिषेक के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर मैं आपको समराइज करते हुए इस ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस बात को जरा समझ लीजिए। यदि आपको लाइफ में कहीं पे भी पहुंचना है, उसकी शुरुआत खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस से, और कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप तैश में घूम रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं पर पढ़ाई नहीं करते, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस के कोरस्पॉन्डिंगली फिर आपको एफर्ट करना है। आपके सामने एग्जाम्पल है, अभिषेक 581 था 2020 में और इस बार 681 है। ठीक है बच्चों,